हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एफ यूट्यूबर में आपका होस्ट एंड दोस्त रॉनी। तो एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग सैमसंग के आपको स्मार्टफोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सैमसंग गैलेक्सी M12 का सक्सेसर सैमसंग गैलेक्सी M13 5G का अब लीक्स आना शुरू हो गया है। इसका मतलब सैमसंग गैलेक्सी M13 5G ये फ़ोन बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होगा एंड सैमसंग गैलेक्सी M13 5G ये फ़ोन 1 से 2 दिन पहले FCC सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो गया है। इसका मतलब ये फ़ोन बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होगा, पॉसिबली नेक्स्ट 2 से 3 महीने के अंदर ये फ़ोन इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन आपको अगस्त महीने के अंदर आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। एंड सैमसंग गैलेक्सी M13 5G ये फ़ोन सैमसंग की तरफ से सबसे ज़्यादा चीपेस्ट 5G फ़ोन होने वाला है अकॉर्डिंग टू लीक्स। एंड ये फ़ोन आपको 13,000 की सेगमेंट के आपको फ़ोन देखने को मिलेगा। सो सैमसंग गैलेक्सी M13 5G ये फ़ोन क्या प्राइस पर इंडिया में आएगा, इसमें क्या स्पेसिफिकेशन होगा एंड ये फ़ोन कब इंडिया में आएगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 6.5 इंच का आपको एक HD+ का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, फुल HD+ नहीं, आपको HD+ का डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसका रिफ्रेश रेट होगा 90Hz का। एंड आपको इसमें 5 चोल नहीं वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा। एंड रियर साइड पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा एंड ये फोन देखने में सैमसंग गैलेक्सी M12 की तरह ही होगा। आपको स्नैपड्रैगन की 480+ की 5G चिप से देखने को मिलेगा जो काफ़ी डिसेंट चिप सेट है। एंड इसका अगर एंड्रॉइड स्कोर की बारे में बताओ तो इसका एंड्रॉइड स्कोर आपको अप टू 3.3 लाख तक का एंड्रॉइड स्कोर प्रोवाइड करते हो, तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी दे देगी। एंड इसका NM की बारे में बताओ तो 8 NM पे बेस्ट है, तो आपको तगड़ी बैटरी एफिशिएंसी दे देगी। एंड इसका GPU के बारे में बताओ तो इसमें एडिनो 609 का गेमिंग ग्राफिक्स है, तो इसमें हाई लेवल का गेम खेल पाएंगे बट ज़्यादा हाई लेवल का गेम आप नहीं खेल पाएंगे, तो इससे आपको परफॉर्मेंस का सेगमेंट भी अच्छी मिल जाएगी। एंड्रॉयड 12 के साथ आएगा आउट ऑफ द बॉक्स जो लीक्स है उसके मुताबिक। एंड सैमसंग की खुद की UI 4.0 आपको देखने को मिलेगा पॉसिबली। तो 1 UI में आपको एड बग्स ब्लूटूथ कुछ नहीं मिलता, आपको नीट एंड क्लीन एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो रियर साइड पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 50+ 8+ 2+ 2 MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो 50 MP का एक मेन सेंसर होगा, उसके साथ आपको 8 MP का आपको एक अल्ट्रा वाइड, देन आपको 2 MP का एक मैक्रो एंड दूसरा 2 MP का आपको एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। एंड बैक से आप 4K नहीं 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर लोगे एंड बैक पे फ्लैश रहेगी, बुके पैनोरामा सब कुछ आप कर लोगे। फ्रंट पे आओगे तो फ्रंट पे आपको एक 16 MP का सेल्फी शूटर मिलेगा एंड फ्रंट से भी आप 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर लोगे। एंड मेरे हिसाब से कैमरा ठीक ठाक रहेगी सैमसंग गैलेक्सी M13 5G में। सैमसंग की M सीरीज में आपको बैटरी तागड़ी मिलता है, तो सैमसंग गैलेक्सी M13 5G में आपको बैटरी तागड़ी देखने को मilega। इससे आपको 6000 mAh की मैसिव बिग बैटरी देखने को मिलेगा एंड इसमें आपको अकॉर्डिंग टू लीक्स आपको इसमें 80W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा बट आपको चार्जर बॉक्स में नहीं मिलेगा एंड टाइप सी की पोर्ट होगी। तो एक मैसिव बिग बैटरी से वो डिसेंट चार्जिंग एंड टाइप सी पोर्ट, तो इन तीनों में कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, प्रॉक्सिमिटी जियोमेट्री, जायरोस्कोप, लाइट, कंपास, 3.5 इंच जैक, मतलब जितने बेसिक सेंसर रहते हैं आपको सब मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी M13 5G में। तो अगर स्लॉट के बारे में बताओ तो आप एक्सपेंड कर पाएंगे थ्रू SD कार्ड, एक्सपेंडेबल स्लॉट के साथ आएगा, तो आप 2 SIM एंड 1 SD कार्ड एक साथ यूज कर पाओगे। अगर बेस्ट ब्रांड के बारे में बताओ तो जो लीक्स है उसके मुताबिक बेस्ट ब्रांड होगा 6GB 128GB से इसका बेस्ट ब्रांड स्टार्ट होगा इंडिया में। एंड अगर बेस्ट ब्रांड की प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो जो लीक्स आ रहा है उसके मुताबिक इसका प्राइस रहेगा 12999 यानी कि 13,000। तो 13,000 में फोन एक अच्छी फ़ोन होने वाला है मेरे हिसाब से। एंड इसका लॉन्च डेट के बारे में बताऊँ तो अकॉर्डिंग टू लीक्स ये फोन आपको जुलाई महीने की एंड या फिर अगस्त महीने की फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा इंडिया में। तो क्या आप लोग सैमसंग गैलेक्सी M13 5G इस फोन के लिए वेट करके कमेंट में जरूर बताना, और हाँ वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।